नमस्कार, जय हिंद। आइए सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए सिंधी चैनल आपके लिए घटना चक्र जनरल साइंस कंप्लीट लेके आ रहा है, और जनरल साइंस की क्या महत्ता है इससे आप सुविदित होंगे। इसको आप इस डेटा से भी समझ सकते हैं कि विभिन्न जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं बीपीएससी में, कितना इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि 64वें बीपीएससी में आप देखें तो 9-9-18 सवाल अर्थात फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 2 सवाल बायोलॉजी से, अर्थात टोटल 20 सवाल 64वीं बीपीएससी में जनरल साइंस से थे। इसके अलावा 63वीं बीपीएससी में आप देखेंगे तो 15-3-18-2-20 अर्थात टोटल 20 सवाल जनरल साइंस से थे। इसके पिछले एग्ज़ाम्स में देखेंगे तो 10-9-19-2-21 सवाल, अर्थात मिनिमम 20 सवाल, अगर इसको एवरेज भी मान लें तो 15-20 सवाल के बीच आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, जो कि आपके चयन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रही बात घटना चक्र की, तो यहाँ से आपको रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, और कई सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका रिवीजन को भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो चैप्टर 1 है वो है जीव विज्ञान की उप शाखाएँ। सबसे पहले जानते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान का संबंध किसी विषय से नहीं होता, किसी विषय वस्तु से नहीं होता, ना तो किसी सब्जेक्ट से है, ना ही इसका सब्जेक्ट मैटर से है। कोई भी ज्ञान हो, अगर वो सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? विज्ञान की श्रेणी में उसे रखा जा सकता है। विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होता। कोई भी आर्ट का भी सब्जेक्ट है, अगर उसका अध्ययन व्यवस्थित और क्रमबद्ध है, तो उसे हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक नेचुरल साइंस और दूसरा सोशल साइंस। एक नेचुरल साइंस और दूसरा सोशल साइंस। नेचुरल साइंस को भी फिर से दो भाग में बांट देते हैं, एक फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस। फिर से बायोलॉजिकल साइंस को भी कई भागों में बांटा जाता है, जिसको हम इसकी उपशाखाओं के रूप में अभी देखेंगे। लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है, यहाँ पर दो नाम है, लैमार्क और ट्रेविरेनस, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि किस विज्ञान में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इस विज्ञान की विषय वस्तु क्या है। जंतु विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, वनस्पति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, नाम से ही लग रहा है, विभिन्न प्रकार के जीवित और मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। जूलॉजी में हम जीवित और मृत और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, पादपों का नहीं। ठीक है, जूलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के जीवित और मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। बॉटनी, बॉटनी में हम विभिन्न प्रकार के पौधों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में हम जंतुओं का अध्ययन नहीं करते, यहाँ पर हम बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, पौधों का। और जंतु विज्ञान में केवल जीवित और मृत जंतुओं का ही अध्ययन करेंगे, यहाँ पर पौधों का अध्ययन नहीं करेंगे। पैलियो बायोलॉजी, या इसे ही हम जीवाश्मिकी कहते हैं। पैलियो का मतलब होता है प्राचीन, एंसेंट। ठीक है, तो पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी, नाम से ही लग रहा है जीवाश्म। तो जीवाश्म किसका, जीवों का जीवाश्म, और जीव में जंतु और पादप दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन हम किस में करते हैं, पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी में। आगे देखें, पैलियो बॉटनी, अभी अभी हमने देखा कि बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं, बॉटनी में पौधों का, पादपों का अध्ययन करते हैं। उसके आगे लग गया पैलियो, पैलियो मतलब पुराना, पुराना का मतलब जीवाश्म, तो पादप जीवाश्म, पैलियो बॉटनी, बॉटनी का मतलब पौधा और पैलियो मतलब पुराना, तो अर्थात जो पुराना पौधा है आज तक तो जीवित नहीं है, उसका जीवाश्म ही मिलेगा। तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन किस में करते हैं, पैलियो बॉटनी में। आगे देखें, पारिस्थितिकी विज्ञान, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप पढ़ते हैं ना इसको, आपके सिलेबस में है। तो इकोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। ठीक है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी में क्या अध्ययन करते हैं, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। जेनेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, जिसमें जीन, उनके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, और कैसे जीन ट्रांसफ़र होते हैं, कौन कौन से लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हमें आगे पढ़ना भी है, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो होते हैं
वो मुख्यतः शरीर के बारे में डीपली जो अध्ययन करते हैं उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी में हम शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा उनकी कार्यविधियों का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी एक मिट्टी भी होती है, पेडल्फर मिट्टी, ठीक है। तो पैडोलॉजी का मतलब है मृदा, मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है पैडोलॉजी में। आगे देखें जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य में वृद्धावस्था तथा काल प्रभावन के क्या सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन। मनुष्य जब वृद्ध होता है तो उसके सभी पहलुओं में चेंज आता है, उसके व्यवहार में चेंज आता है, तो इन चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं, जेरोंटोलॉजी में। इथोलॉजी, इथो, इथोस एक वर्ड है, ETHOS, इथोस का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है। तो इथोलॉजी का मतलब है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इथोलॉजी। बायोनिक्स, ठीक है, बायोनिक्स, बायोनिक्स क्या है, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, ठीक है। बायो मतलब क्या है, जीव, ठीक है। और यहाँ पर जो निक्स वर्ड है ये तंत्र को शो करता है, ठीक है, एक सिस्टम की बात करता है, वो भी इंजीनियरिंग की बात करता है कि जो जैविक जगत के गुण हैं उनके सिद्धांतों का प्रयोग करके मशीनों का निर्माण करना क्या कहलाता है, बायोनिक्स कहलाता है। अभी इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आता है, बायोनॉमिक्स, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बायोनॉमिक्स जो है वो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है इसका अध्ययन करता है, बायोनॉमिक्स। और जो बायोनिक्स था वो जीवों के गुणों का प्रयोग करते हुए, उनके सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विभिन्न जो अभियांत्रिकी तंत्र हैं उनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। जबकि बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध होता है इसका अध्ययन होता है। मायोलॉजी, मायोलॉजी मीन्स होता है मनुष्य की पेशियां, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी में। मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। आपको पता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उसी के आधार पर मेमोरी से बना मैमोलॉजी। तो मैमोलॉजी का मतलब स्तनधारी जंतु, स्तनधारी जंतु वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं, ठीक है, बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, मनुष्य एक स्तनधारी जंतु है। बायोनॉमी, बायोनॉमी जीवन के क्या नियम हैं इनसे संबंधित जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, बायोनॉमी। बायोमेट्री, आजकल जो अटेंडेंस होती है बड़ी बड़ी ऑफिस में बायोमेट्रिक्स होती हैं, यहीं से टर्म आया बायोमेट्री, ठीक है, बायोमेट्री से ही निकली हैं ये सब सारी चीज़ें। बायोमेट्री में क्या होता है कि गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जब इसमें गणित और स्टैट्स इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा बायोलॉजी में, तो ये क्या बन गया, बायोमेट्री, ठीक है। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी ये जो फ्रेन वर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्रेन, फ्रेन वर्ड बना है ग्रीक वर्ड के, ग्रीक वर्ड से बना है, और फ्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और कुछ कमियां हैं तो उसका अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी, ठीक है, फूलों का अध्ययन। इसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी का मतलब हुआ घास से संबंधित अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी मीन्स घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी, पैलिनो आपको पता है कि पॉलेंस होते हैं, पॉलेंस का मतलब होता है परागकण, जो जैसे आप गुड़हल का पौधा देखिए, फूल देखिए, गुड़हल के फूल पे येलो कलर के उस पे छोटे छोटे कण पड़े होते हैं, उसे ही परागकण बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इन चीज़ों को, तो इसका अध्ययन किस में करते हैं, पैलिनोलॉजी। पोलन से मिलता जुलता है पोलन, पैलिनो, पोलन, पैलिनो, ठीक है। आगे देखें ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसमें कैंसर और उससे संबंधित ट्यूमर इनका अध्ययन किया जाता है। जब भी आप अगर कभी हॉस्पिटल गए हो और किसी पेशेंट को दिखाना हो कैंसर से पीड़ित हो, तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, जो कैंसर का, कैंसर से संबंधित बीमारी का विशेषज्ञ हो, वो उसको क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखें टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रोथ में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मनुष्य की बॉडी का डेवलपमेंट है, उसमें जो असमानताएं आती हैं, इरेगुलरिटीज आती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है टेराटोलॉजी। कोंड्रोलॉजी, इसमें उपास्थि से संबंधित अध्ययन, उपास्थि का मतलब क्या होता है, उपास्थि है ऊतकों का समूह जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। अभी तो
ज़्यादा डिटेल नहीं देख सकते हैं इन चीज़ों का, आगे अध्ययन करेंगे। कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, और ये हड्डियों को जोड़ने के लिए ये ऊतकों का एक समूह होता है, ठीक है, ऊतकों का समूह होता है जिसका अध्ययन हम किस में करते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी में। आगे देखें ऑस्टियोलॉजी, एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया, आपको पता है ये रोग किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है, यहीं से देखिए ये टर्म बना हुआ है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में आप किसका अध्ययन करेंगे, अस्थियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी क्या होता है, रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है, सीरम सेरोलॉजी, देखिए मिलता जुलता है एकदम, सेरो सीरम। और अब सवाल उठता है कि सीरम क्या होगा, क्या है, और अगर आप कभी ब्लड टेस्ट करवाने गए हो और आप वहाँ पर थोड़ी दूर रुके हो सैंपल देने के बाद, अगर वहीं पर ब्लड टेस्ट होता होगा तो वो एक बॉक्स में उस ब्लड को रखते हैं और तेज़ी से उसे सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब हो गया उसे तेज़ी से घुमाते हैं, जब वो तेज़ी से घुमाते हैं तो उस ब्लड से जो क्लॉटिंग ब्लड होता है, जो क्लॉट करने वाली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, वो फाइब्रिनोजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एक येलो कलर का जो ब्लड का हिस्सा होता है वो ऊपर तैरने लगता है, उसे ही सीरम कहते हैं, क्लियर। और जो नीचे जम जाता है ब्लड, लगभग वो ब्लैक हो जाता है, वो होता है जिसमें ऐसी प्रोटीन होती है जो क्लॉट कर देता है, तो क्लॉटेड ब्लड होता है। तो क्लॉट जो ब्लड होता है अगर उसमें से फाइब्रिनोजन आप निकाल दें तो वही क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और ब्लड टेस्ट में दोनों की भूमिका होती है, ज़्यादातर जो आपका ब्लड टेस्ट होता है वो किससे होता है, सीरम से होता है, ठीक है। पूरा ब्लड काम नहीं आता, उसमें से सीरम निकाल लिया जाता है। तो इसका अध्ययन किस में करते हैं, सेरोलॉजी में। आगे आता है हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी हीमोग्लोबिन, हीमेटोलॉजी हीमोग्लोबिन, रुधिर का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, नाम से लग रहा है न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, न्यूरोसाइंस इसी से बना, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र अध्ययन, ये हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। लिथोट्रिप्सी, ट्रिप्सी, आपको पता है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ अध्ययन करते हैं, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या है, चट्टानों से बनी है। तो लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, लिथोट्रिप्सी में जो हमारे भीतर गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय की थैली में कहीं पर भी अगर पथरी है तो उसको तोड़ करके इसमें मरीज का इलाज किया जाता है। लिथोट्रिप्सी, ट्रिप्सी अर्थात उस चट्टान को तोड़ने का एक, तोड़ने की एक प्रक्रिया है लिथोट्रिप्सी। आगे चलें पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो पता ही है, आप जाते होंगे मान लीजिए ब्लड टेस्ट करवाने जाना है तो कहाँ जाएंगे, पैथोलॉजी, क्योंकि वहाँ पर रोगों की प्रकृति लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट से ही बना है, पैरासाइट का मतलब परजीवी, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है उसे परजीवी कहते हैं। तो परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी में। वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी, तो विषाणुओं का अध्ययन। अभी जैसे आज मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय सिचुएशन बहुत ही ख़राब है कोविड-19 को लेकर के, ठीक है। तो वायरस विज्ञान, अब इस कोविड-19 का अध्ययन कहाँ करेंगे, वायरोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करते हैं, एंटो ऐसे याद कर लीजिए, एंटो कीटो, ठीक है, एंटो कीटो। अब है मिरमेकोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं, मिरमेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। मेलाइकोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन। अब मोलस्का समूह में क्या आते हैं, जैसे कि जो घोंघा होते हैं, ठीक है, ये मोलस्का समूह में आते हैं। तो इसमें किस, इसका अध्ययन किसके तहत करते हैं हम, मेलाइकोलॉजी, नाम मैच कर रहा है बिल्कुल, मोलस्का मेलाइको। अब है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में हम मछलियाँ मत्स्य की संरचना कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करके करते हैं इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटो सर्प, सर्पेंटो, ठीक है, हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है फिर भी ये मिलता जुलता है, सर्प सर्पेंटो, तो इसमें हम सांपों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर कौन होते हैं, जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, और सरीसृप रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, हर्पेटोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इसमें हम अध्ययन करते हैं पक्षियों का, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, जब भी आपको कोई त्वचा की संबंधित समस्या होती है तो हॉस्पिटल में आप किसको दिखाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, जिसको हमारे शरीर के जो त्वचा है उसके हिस्से के बारे में पूरी जानकारी होती है। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी अध्ययन करते हैं पोषण और पोषण विधियों का,
पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं, ट्रोफोलॉजी। लास्ट है टीटोलॉजी। टीटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो शब्दावलियाँ थी उससे संबंधित चीज़ें देखी। अभी इसमें कुछ और शब्दावलियाँ हैं और उससे संबंधित कुछ उत्पाद हैं, जैसे कि एपिकल्चर। एपिकल्चर का संबंध किससे है? तो एपिकल्चर का संबंध है मधुमक्खियों से। मधुमक्खी पालन, कौन सी मधुमक्खी? जो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, तो एपिकल्चर में हम क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन। एवी कल्चर, एवी मतलब हो गया पक्षी पालन। ठीक है, एवी कल्चर, जहाँ पर भी कल्चर वर्ड आएगा वहाँ पर मतलब है कृषि से संबंधित है। ठीक है, लॉजी का मतलब था तो वो अध्ययन था, अब हम देख रहे हैं कल्चर, तो एवी कल्चर पक्षी पालन। एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब होता है जलीय जीव। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल होता है ना, एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव, तो एक्वा कल्चर का मतलब हो गया जलीय जीवों का संवर्धन, जंतु हो या वनस्पति दोनों चलेगा। एल्गा कल्चर, नाम से ही है, एल्गा कल्चर का मतलब एल्गी, एल्गी मतलब क्या होता है? शैवाल। ठीक है, तो एल्गा कल्चर में हम किस चीज़ की खेती करते हैं? शैवालों की कृषि करते हैं। पीसी कल्चर, पीसी का मतलब हो गया मत्स्य पालन। ठीक है, पीसी कल्चर में किस चीज़ का? मछलियों का पालन करते हैं। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में सारी चीज़ें आ जाती है, फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हम रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम कीट का पालन करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रेशम है वो कौन उत्पादित करता है? रेशम कीट आता है जो शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। तो सेरीकल्चर का मतलब हुआ कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन करना। सिल्वी कल्चर, सिल्वी, सिल्वी कल्चर का मतलब वन संवर्धन। ठीक है, वनों को लगाना। स्पंजी कल्चर, ये समुद्र में पाया जाता है स्पंज, और जब हम स्पंज को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है? स्पंजी कल्चर। फ्लोरी कल्चर, नाम से लग रहा है फ्लोरी, फूल, और फूल की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरी कल्चर, ऐसी सब्जियां जो ज़मीन पे बिखरी होती हैं, देखते हैं ना, जैसे खीरा है मान लीजिए, तो खीरा कोई पेड़ नहीं होता, खीरे का वो ज़मीन पे बिखरा होता है, तो ऐसी जो सब्जियां होती हैं जो ज़मीन पे बिखरी होती हैं उन्हें किस में अध्ययन करते हैं हम? ओलेरी कल्चर में। ठीक है, जैसे टमाटर है, टमाटर का पेड़ होता है वो ऊपर टमाटर फलता है, लेकिन बहुत सी सब्जियाँ ऐसी हैं जो ज़मीन में फैल जाती हैं, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? ओलेरी कल्चर। आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी कल्चर में हम अध्ययन करते हैं वृक्षों, सॉरी खेती, आर्बोरी कल्चर में खेती किस चीज़ की करते हैं? वृक्षों और झाड़ियों की कृषि करते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों मसालों की खेती किस में हम करते हैं? हॉर्टिकल्चर। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जब हम फलों की कृषि करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में हम फसलों की खेती करते हैं। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब होता है कीट, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर, क्योंकि केचुआ से ही इसे तो किसानों का मित्र कहते हैं, खाद बनाने में भी केचुआ काम आता है, तो जब केचुआ पालन किया जाता है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। आगे देखिए ऑस्टिकल्चर, ऑस्टिकल्चर व्यापार हेतु ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स मतलब सीप होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्री कल्चर। ठीक है, ओली कल्चर, ओली ओलिव से बना है, ओली ओलिव मतलब होता है जैतून। ठीक है, जैतून का उत्पादन संरक्षण और व्यापार करना ये क्या कहलाता है? ओली कल्चर। हेली कल्चर, हेली कल्चर में हम स्नेल्स, स्नेल्स मतलब घोंघे, घोंघे का संवर्धन करते हैं। वीटी कल्चर, वीटी का मतलब होता है अंगूर, अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत करते हैं? वीटी कल्चर। मेरी कल्चर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरी मेरी वर्ड है, जैसे सबमरीन, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, और पनडुब्बी कहाँ रहती है? पानी में, तो मेरी का मतलब हो गया समुद्र, तो मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों का संवर्धन। समुद्री जीव में जंतु भी आएंगे, वनस्पति भी आएंगे। यूरोप के मैक्सिमम देश मुख्यतः वो सीड जो सी फूड है उस पर डिपेंड है। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले भोजन पे डिपेंड है, मछली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरी कल्चर में मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों का संवर्धन करते हैं। मोरी कल्चर, इसमें हम शहतूत की खेती करते हैं। ठीक है, शहतूत की खेती, तो ये चीज़ें हमने देखा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर और भी हैं। सिट्री कल्चर, साइट्रस फ्रूट, आपको पता है जो खट्टे फल होते हैं उनको हम साइट्रस फ्रूट कहते हैं, तो साइट्रस से ही बना है सिट्री कल्चर।
खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, इसमें मृदा विहीन पादप संवर्धन करते हैं, ठीक है। इसको आप हाइड्रोपोनिक्स बोलिए, एरोपोनिक्स बोलिए, एरोकल्चर बोलिए, कुछ भी। इसमें मिट्टी नहीं होती है, फिर भी हम खेती करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। वेजी कल्चर, वेजी कल्चर में क्या होता है, वेजिटेबल से बना है। वेजी सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि बीज का प्रयोग ना करना, बल्कि उनके डंठल को काट करके ही नया पौधा बना देना। उसमें हम क्या, इसका अध्ययन जो किया, इसकी खेती को क्या कहते हैं, वेजी कल्चर। क्लियर। अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, एरोकल्चर है, ये कैसे होता है। देखिए, ये पौधा आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ का पौधा है, ये मिर्च का है, ठीक है। इसमें फूल आ चुके हैं। अब इसको ज़रा देखिए, ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है किसी एक बॉक्स में, ठीक है। बॉक्स में कहीं पर भी ये ढका हुआ बॉक्स नहीं है। इसकी जड़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। मिट्टी दिख रही कहीं पर नहीं। एक पौधे को जीवित रहने के लिए क्या 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 चीज़ें चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए उसको, प्रकाश के अलावा उसको सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जहाँ पर वो सीधा खड़ा रह सके। इसके अलावा उसे पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व उसे कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। इसके अलावा उसे पानी चाहिए। पानी कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। क्या अगर इन्हीं चीज़ों को हम पौधों की जड़ों तक पहुँचा दें तो क्या उसे मिट्टी की ज़रूरत होगी। पोषक तत्व को हम पानी के थ्रू पहुँचा दें, पानी में हम पोषक तत्व डाल दें और पौधों की जड़ों तक पहुँचा दें, तो क्या उसे मिट्टी की ज़रूरत है, नहीं। तो इसी की कृषि को क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स या एरोकल्चर, या इसे आप और भी नामों से जानते हैं। अभी अभी मैंने बताया, हाइड्रोपोनिक्स भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर और चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो खेती हो रही है, इसमें कहीं पर भी मिट्टी आपको दिख रही है, नहीं। विभिन्न पाइप बनाए गए हैं। इन पाइप में क्या है, पोषक तत्व से युक्त पानी बह रहा है, ठीक है। और पौधों को सपोर्ट के लिए ये पाइप से सपोर्टेड हैं, पाइप में लगाए गए हैं। सपोर्ट तो इनको मिल ही रहा है, इनको पानी चाहिए तो पानी पाइप में बह रहा है, पोषक तत्व भी इसी में बह रहा है। तो सारी चीज़ें ज़रूरत पूरी ही हो गई, तो मिट्टी की क्या ज़रूरत। कहने का मतलब, कृषि अब एक नए स्तर पे जा रही है, जहाँ पर शहरों में लोग अपने घरों में कृषि कर सकते हैं, इसके लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जूलॉजी का अध्ययन, जूलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो बहुत ही आसान है, जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करते हैं। केवल जीवित का नहीं, केवल जीवित वनस्पति का नहीं, ना तो जानवर का, इसमें हम जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में हम पौधों का अध्ययन नहीं करते, और इसमें जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। आगे देखें, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित, अच्छा यहाँ मैच करवाना है, ठीक है, हम यहाँ से मैच करवा लेते हैं। तो पक्षी का अध्ययन किस में करते हैं, पक्षी का अध्ययन हमको पता है ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। वंशानुगति हमको पता है जेनेटिक्स में करते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का अध्ययन हम किस में करेंगे, इकोलॉजी में करेंगे। जीवाश्म, पैलियोबायोलॉजी। क्लियर। आगे चलें, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, मैंने आपको याद कराया था एंटो कीटो एंटोमोलॉजी, ठीक है। आगे चलें, कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विषय है जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में आप क्या करते हैं, जब जनगणना होती है तो आप किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि जनसंख्या, और जो भारत की अगर जनगणना की बात करें तो भारत में रहने वाले लोग, उनका धर्म, बहुत सी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो इसका अध्ययन किस में करेंगे, जनांकिकी में। क्लियर। आगे चलें, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। एथनोग्राफी, गलत। एथिक्स, जो फोर्थ पेपर है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, बिल्कुल नहीं। एथनोलॉजी, गलत। इथोलॉजी, अब आप समझिएगा कि एक वर्ड है एथनिक, एथनिक, एथनिसिटी, एथनिक, इसी से निकल के आता है। एथनिक क्या होता है, एक पर्टिकुलर समुदाय होता है, और उस समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। तो ये वर्ड आया है, एथनिक से ही बना है, जिसके जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एथनोलॉजी, ठीक है, एथनोलॉजी। इथो, इथोलॉजी अभी अभी मैंने आपको बताया था, इथोस से बना था,
ठीक है, इथोस का मतलब होता है व्यवहार। आगे चलें, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? आ गया, तो हमने दो वर्ड देखा था, बायोनॉमिक्स और बायोनिक्स। तो ये किस में आता है? बायोनिक्स में, जिसमें हम जैविक जगत के गुण पद्धति सिद्धांतों का प्रयोग करके विभिन्न मशीन का निर्माण करते हैं, बायोनिक्स में करते हैं। क्लियर, आगे चलें। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? पैलियो बॉटनी, ठीक है, यहाँ पर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे, किसके? पौधों के जीवाश्मों का। जंतु जीवाश्म गलत, शैवाल फफूंदी गलत है, हम इसमें अध्ययन करेंगे जीवाश्म, किसके जीवाश्म? पौधों के जीवाश्म। आगे चले, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को आपको पता है सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किस लिए किया जाता है? एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन जो शहद देती है, ठीक है, शहद के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, और यहाँ पर फलों की खेती पोमोलॉजी। तो कौन सा गलत है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है, जो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर है, सवाल अब एग्जैक्ट तो नहीं लिखा कि इसमें कौन सी सब्जियों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, ये तीनों तो सही ही हैं। ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर ये सही है, लेकिन मैंने बताया था सब्जियों की खेती अर्थात हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती में हम ओलेरिकल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसी सब्जियाँ जो बिखरी हुई होती हैं। क्लियर, चलिए आगे चलें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, बिल्कुल ठीक है, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म मतलब जो रेशम बनाने वाला कीड़ा है, बिल्कुल ठीक है, पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में हमने देखा था पीसीकल्चर का होता है मछली पालन, ठीक है, तो यहाँ पर लाख का कीड़ा गलत है, हॉर्टिकल्चर में फूल आ जाता है, ठीक है। आगे चलें, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सी सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है? शब्दकोश का संकलन, बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर 13 का ए हो जाएगा। आगे देखें, 14, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? अभी अभी हमने देखा कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संचयन से है, संयोजन से है। 15, सब्जी के काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने देखा था, इसको कहते हैं ओलेरिकल्चर। क्लियर, आगे चलते हैं, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर से अंगूर, क्लियर है, विटीकल्चर से अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होता है? तो ये कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कीटों की वृद्धि कैसे करें, जैसे केचुआ है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो वर्मी कल्चर में अर्थ वर्म यूज होता है, जो ज़मीन में रहने वाले कीड़े होते हैं, ना कि सिल्क वर्म यूज होता है। आगे चलें, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी में पता है वृद्धों का अध्ययन करते हैं, तो 19 का डी हो जाएगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। आगे चलें, वृद्धावस्था फिर से आ गया, तो इसका वृद्धावस्था का क्या हो जाएगा? जेरोंटोलॉजी। क्लियर, आगे चलते हैं, जीर्ण फिर से आ गया वृद्ध, तो जेरोंटोलॉजी हो जाएगा। पेडोलॉजी मतलब मिट्टी होता है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, किससे? मिट्टी से। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोमलेशिया, मैंने आपको एक रोग बताया था जो कि हड्डियों से संबंधित है, तो ऑस्टियोलॉजी। क्लियर हो गया, आगे चलें, सर्पों के विषय में तो सर्पेंटोलॉजी बहुत ही आसान है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, बेमेल कौन अलग है, ठीक है, तो कौन सा इसमें अलग हो जाएगा? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। अब देखिए, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब किसके हिस्से हैं? जीव विज्ञान से जुड़े हैं, जबकि साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान से, ठीक है, तो इन तीनों से ये एक अलग प्रकृति रखता है, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? बी। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं? मिट्टी के बिना ही हम पौधों को उगाते हैं, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और
मुझे उम्मीद है कि आपका रिस्पांस अच्छा ही होना चाहिए। मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगा, जैसे कि पॉलिटी हिस्ट्री में किया था, और आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम और भी बेहतर करेंगे। सो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को आप ज़रूर बताएं कि वीडियो में चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं, कैसा लगा आप लाइक करके बताएं, और कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। और प्लीज़ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।